गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सब उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो फुल वॉच करें और ऐड के साथ वॉच करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और जो पहली बार वीडियो देख रहे हों तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप कर नहीं देखें, इससे वीडियो तो ख़राब होती ही है और आपको पूरी जानकारी भी नहीं मिल पाती है। तो चलिए चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। तो आज का मेन टॉपिक है एडेनियम्स के ऊपर। तो ठंड की शुरुआत तो हो ही चुकी है और एडेनियम्स प्लांट्स डॉर्मेंसी में चला भी गया है, क्योंकि अभी दिसंबर का मंथ है और ये समय होता है एडेनियम्स के लिए रेस्ट का समय। तो ऐसे में हमें एडेनियम्स के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो ठंड में सभी की चिंता एक ही होती है कि एडेनियम्स में पानी कितना दें, कितना नहीं दें या किस प्लांट में कितना पानी दें। तो यही सब समस्या सबके साथ होती है, तो आज मैं उसी की वीडियो लेकर आई हूँ। तो एडेनियम्स प्लांट्स में भी सभी की रिक्वायरमेंट एक जैसी नहीं होती है पानी की। कुछ प्लांट्स में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, कुछ प्लांट्स में कम पानी की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि मैं दिखाती हूँ कि कुछ प्लांट्स में आपको बहुत सारे लीव्स भी दिख रहे होंगे और कुछ प्लांट्स में लीव्स बिल्कुल ख़त्म है। जैसे कि ये प्लांट है मेरा, तो इसमें आपको लीव्स नज़र ही नहीं आ रहे होंगे। इधर एक स्टेम्स है तो इसमें है। तो यहाँ पे मैंने इधर कुछ दिन पहले मतलब गर्मी में ही ग्राफ्टिंग की थी, तो ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं हुई थी। तो फिर यहाँ से न्यू निकला था तो यहाँ पे इसमें लिप्स भी निकले हुए हैं और यहाँ पे बर्ड्स भी निकल रहे थे, लेकिन पता नहीं अभी है या नहीं। तो इधर देखिए, इसमें एक भी लिप्स नहीं है। तो ऐसे प्लांट में हमें पानी बहुत ही कम देना चाहिए। अगर इसमें हम अभी ज़्यादा पानी देंगे तो फिर प्लांट्स ख़राब भी हो सकता है, और पॉट के हिसाब से भी हमें देने होते हैं कि जैसा पॉट है उसके हिसाब से। अगर आप बड़े पॉट में लगाए हैं प्लांट्स, जैसे कि ये सब प्लांट है तो ये छोटा पॉट में लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये पॉट जो है थोड़ा बड़ा में लगा हुआ है। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर लीव्स नहीं हुआ एडेनियम्स में तो इस समय पानी उसमें बहुत ही कम देना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप एडेनियम्स को बड़े पॉट में लगा रखे हों तो उसमें छोटे पॉट की अपेक्षा कम पानी डालें, क्योंकि बड़े पॉट में पानी देर से सूखता है और छोटे पॉट में जल्दी ही मीडिया उसकी ड्राई हो जाती है। और थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप कहीं बाहर चले जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो अगर किसी दूसरे को पानी देने के लिए बोल कर जाते हैं तो एडेनियम्स के बारे में अगर जानकारी ना हो तो उन्हें आप बता कर जाएं कि एडेनियम्स में पानी कब डालना है, कितना डालना है। क्योंकि जैसे ये सब प्लांट्स हैं तो इन सब में पानी ज़्यादा देने की ज़रूरत होती है। अगर ठंड का मौसम है तो इन सब में एक दिन दो दिन के बाद पानी डालने की ज़रूरत हो जाती है, लेकिन एडेनियम्स प्लांट्स में भी अगर उसी तरह पानी ठंड में डाल देंगे तो एडेनियम ठंड में ख़राब हो जाएंगे। में तो दो दिन तीन दिन ऐसे भी चल जाते हैं, लेकिन आप 10-15 दिन के लिए बाहर जा रहे हों तो फिर किसी ना किसी को तो आपको बोलना ही पड़ता होगा। तो अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर। जैसे कि इधर एक एडेनियम्स है तो इसमें देख रहे होंगे ऊपर में कई बर्ड्स निकल रहे हैं, लेकिन नीचे के लीव्स गिर भी गए हैं। तो अब पता नहीं अगर ठंड बढ़ गई ज़्यादा तो फिर नहीं भी खिल सकते हैं या खिल भी सकते हैं। इधर भी इसमें भी बर्ड्स निकले हुए शायद हैं, दिख नहीं रहे, शायद नहीं है, इधर निकले थे लेकिन इधर आने जाने में ख़राब हो गया। तो ऐसे प्लांट्स में हमें पानी देना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, और दूसरे प्लांट्स की तरह तो मिट्टी पूरी तरह से सूखी नज़र आए तब देनी चाहिए। जैसे कि अभी सूखी हुई है तो इसमें हम नभी डाल सकते हैं। फिर इधर एक ये प्लांट है तो ये देखिए, इसका लिप्स पूरी तरह से ग्रीन है, जैसे लग रहा है इसमें कोई डॉर्मेंसी का इफेक्ट ही नहीं हुआ है, लेकिन फ्लावर्स नहीं खिले हुए हैं इसका। इधर ये स्टेम्स है, ये प्लांट्स जो है छोटे से पॉट में इधर लगा हुआ है, इस तरह से ये तिरछा भी हो गया है। तो इसमें मैं अभी पानी डाली हूँ, पूरी तरह से सूखा हुआ था और इसके लिप्स भी ग्रीन है, ये दिखाया मैंने। तो वैसे ही जैसे ये प्लांट है अभी, तो इसमें मैं इन सभी में थोड़ी थोड़ी पानी डालती रहती हूँ, लेकिन देखिए सूखा हुआ, तो सूखा कर ही दें। ये नहीं कि गर्मी की तरह सुबह शाम या दिन में एक बार एक टाइम देते रहें, ऐसा नहीं है। तो उन सभी प्लांट्स में जिनमें कि लिप्स वगैरह हैं तो उन सब में उसी तरह पानी दें जैसे कि पहले से देते आ रहे हैं। सॉइल वगैरह पूरी तरह से सूखी हुई हो और उंगली से चेक कर 1 इंच तक अगर सॉइल ड्राई है तो फिर उसमें आप पानी नॉर्मली उसी तरह डालते रहें जैसे कि डालते आ रहे हैं।
और फिफ्थ पॉइंट ये है कि विंटर में ऐसा नहीं सोचें कि एडेनियम्स में बिल्कुल ही पानी देना ही नहीं चाहिए, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी देना ही चाहिए। और सिक्स पॉइंट ये है कि अगर आप एडेनियम्स को मिट्टी के गमले में लगा रखे हों तो अगर थोड़ी पानी ज़्यादा भी डल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मिट्टी के पॉट में पानी ज़्यादा नहीं ठहरता है और उसमें जल्दी सूख भी जाता है, क्योंकि मिट्टी के पॉट में महीन छिद्र होते हैं जिसके कारण पानी जो है अपने आप भी चारों तरफ से सूखते रहता है। वैसे तो किसी भी प्लांट के लिए मिट्टी का पॉट बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन मैं भी प्लास्टिक के पॉट में लगा रखी हूँ, क्योंकि ये जो मिट्टी का पॉट होता है थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेता है और मेरे पास तो स्पेस की कमी है, क्योंकि हम हैं जो परमानेंट नहीं हैं, मैंने बताया भी है, तो शौक है प्लांट लगाने का, गार्डनिंग का, गार्डन बनाने का, तो इसलिए मैं छोटे छोटे पॉट में प्लांट्स लगा रखी हूँ, जैसे कि ये प्लास्टिक का पॉट है तो ये जो है स्पेस कम लेता है। और सेवन्थ पॉइंट ये है कि अगर आप एडेनियम्स प्लांट को इस तरह के प्लास्टिक के पॉट में लगा रखे हों तो प्लास्टिक के पॉट में भी थोड़ी पानी की ज़रूरत कम होती है, और उसमें भी डिपेंड करता है सॉइल के ऊपर कि आपने सॉइल कैसा बना रखा है। एक जैसे भी पॉट रहते हैं तो भी किसी पॉट में जल्दी पानी सूख जाते हैं और किसी में देर से सूखता है, क्योंकि कभी कभी हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं तो आगे पीछे करते हैं, तो सॉइल प्रिपरेशन तो एक ही बार नहीं कर लेते हैं, अलग अलग करते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत तो आगे पीछे हो ही जाती है सॉइल प्रिपरेशन में। जैसे कि किसी में कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा हो गई या किसी में सैंड की मात्रा कम हो गई, तो वैसे प्लांट्स में पानी की मात्रा कम देनी होती है, उसका जो सॉइल होता है वो देर से सूखता है। प्लास्टिक पॉट की तरह ही सेरामिक पॉट में भी लगा हुआ प्लांट्स देर से सूखता है, सेरामिक पॉट का तो सॉइल और भी देर से सूखता है, प्लास्टिक की अपेक्षा और ज़्यादा देर से सूखता है। प्लास्टिक या सेरामिक पॉट से जब भी आप प्लांट को निकालते होंगे कभी, जैसे रिपोर्टिंग वगैरह के लिए, तो रूट्स के आसपास की जो सॉइल होती है वह आपको गीली नज़र आती होगी, तो प्लास्टिक पॉट में भी पानी कम सूखता है और सेरामिक पॉट्स में तो और भी कम पानी सूखता है, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और सेवेंथ और लास्ट पॉइंट ये है जो कि बहुत ही खास है एडेनियम्स के लिए, वो है धूप। धूप एडेनियम्स के लिए बहुत ही खास चीज़ है। अगर आपका एडेनियम धूप में रखा हुआ है, फुल सनलाइट में रखा हुआ है, तो अभी भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही होगी। जैसे कि मैंने अभी एक वीडियो शेयर किया था एडेनियम्स का, तो वो मेरे घर का था, तो वहाँ फुल सनलाइट में रखी हुई थी, तो वहाँ का जो एडेनियम्स था उसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी, और मेरे यहाँ तो इस बार फ्लावरिंग बहुत कम हुई ही, क्योंकि आप जान ही रहे होंगे कि मेरे यहाँ का हाल क्या है, और मेरे यहाँ एडेनियम्स ख़राब ही इस बार 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 हो गए, और अभी भी देख रहे होंगे कि कितना गंदा लग रहा है। अगर फुल सनलाइट में एडेनियम्स प्लांट रखा हुआ हो तो उसमें पानी की ज़रूरत थोड़ी अधिक होगी, उसमें पानी ज़्यादा सूखेंगे। मेरा जो एडेनियम्स का प्लांट है बालकनी में है, तो पहले तो मेरे यहाँ बालकनी में ज़्यादा धूप आती थी, लेकिन जब से ये कंस्ट्रक्शन वर्क हुए हैं तो धूप आना कम हो गए हैं, इसलिए मेरे यहाँ फ्लावर्स पहले ही आना बंद हो गए हैं, तो रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। बालकनी में रखा हुआ रहता है तो उसमें पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, और खुले छत पर रखा हुआ है फुल सनलाइट में तो उसमें भी पानी की रिक्वायरमेंट अधिक होती है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें एडेनियम्स में विंटर में भी पानी डालनी होती है। तो विंटर में भी आप पानी सॉइल चेक कर कर ही डालें, अगर नमी है और वैसे में डाल देते हैं तो फिर वैसे में मरने के चांसेस अधिक हो जाते हैं एडेनियम्स के। और जिनमें फ्लावर्स वगैरह आ रहे हों उनमें तो पानी नॉर्मली जैसे डालते हैं वैसे डालना ज़रूरी होता है। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें, और चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को भी प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।